वहीं यूपी के कासगंज जिले के सोरो तीर्थ नगरी में भगवान वराह का अवतरण दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि मंदिर प्रांगण में सुबह से ही भारी संख्या में भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान भगवान वराह के दुग्धाभिषेक के साथ ही भगवान को 56 भोग समर्पित किया गया। वहीं इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। ये भगवान वराह का आज प्रागट उत्सव है, इसको जन्मदिवस बोलते हैं। आज इसमें भगवान ने ब्रह्मा की नासिका से प्रकट हुए थे। इस उपलक्ष्य में हम भगवान का जन्मदिवस मनाते हैं और इस जन्मदिवस में भगवान को 56 भोग, फूल बंगला और भगवान के लिए लाइट की व्यवस्था, जो सुंदरीकरण के लिए सुंदरता दिखाए उसके लिए हम लाइट लगाते हैं और सभी क्षेत्रवासी नगरवासियों के लिए भंडारा, विशाल भंडारा का आयोजन होता है। ये हर वर्ष होता है। इसी आज जो हरि ताल का तीज का पर्व है, इसी दिन हम भगवान वराह का तीज का पर्व है, जो वराह जयंती बोलते हैं, उस जयंती को हम बड़े धूमधाम से सभी नगरवासी और क्षेत्रवासी मनाते हैं। के सोरों तीर्थ नगरी में आज भगवान वराह का अवतरण दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही हरपदी गंगा के तट पर स्थित भगवान वराह मंदिर में भगवान के भक्तों द्वारा दूध अभिषेक किया जा रहा है। वराह मंदिर पर फूल बंगला व 56 भोग का आयोजन किया जा रहा है। भगवान वराह जयंती वह त्यौहार है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। वराह भगवान विष्णु भगवान के तृतीय अवतार थे। यह पर्व भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष को की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष यह 30 अगस्त दिन मंगलवार को मनाया जा रहा है। भगवान विष्णु ने सतयुग के दौरान दुनिया को बचाने के लिए 12 भगवान के रूप में जन्म लिया था और पृथ्वी को समुद्र के नीचे से 2 दांतों पर रखकर धरातल पर लाया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध करने के बाद अपने नाखूनों से सोरों में कुंड खोदकर उसमें गंगा जी को उत्पन्न करके अपने शरीर को त्याग दिया था। भगवान वराह मंदिर के महंत नरेश त्रिवेदी ने बताया कि इस दिन पूजा करने से भक्तों को स्वास्थ्य, सुख संपत्ति और धन सहित सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। यह त्यौहार पूरे भारत में भगवान वराह के भक्तों द्वारा मनाया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भगवान वराह का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ 56 भोग और फूल बंगला का आयोजन किया गया है और इस तरह से इस मंदिर में आप भीड़ देख सकते हैं। श्रद्धालुओं की यहाँ पर हज़ारों की संख्या में भीड़ यहाँ पर उपस्थित है और वहीं पर यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित पंडित के साथ मैं अतुल यादव, ANB न्यूज़, कासगंज।